faccia che ho fatto nello specchio di quest'altro te. Perciò, caro. केसरगंज चटाई मोहल्ले के स्थानीय लोग और दुकानदार पिछले दो हफ्तों से बंदरों के आतंक से खौफजदा हैं। बंदर यहां पर आने जाने वाले लोगों को अपने नुकीले दांतों से काटकर घायल कर रहे हैं। केसरगंज स्थित बंसीलाल करताचंद मोबाइल दुकान संचालक मनोज ने बताया कि पिछले दो हफ्तों से इस इलाके में कई बंदर आए हुए हैं, जो कभी किसी की दुकान में घुस जाते तो किसी के घर में। गुरुवार को कुछ बंदर सड़क के बीचों बीच बैठ गए और राहगीरों को आने जाने नहीं दिया। अगर कोई सड़क पार करता भी है तो बंदर उन्हें अपना निशाना बना लेते। व्यापारियों ने नगर निगम और वन विभाग को भी बंदरों की शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों का जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। केसरगंज चटाई मोहल्ले में एक बंदर है, 7-8 दिन से बहुत आतंक मचा रखा है। चलते फिरते राहगीरों को काट रहा है, नखून लगा रहा है। कम से कम 10-15 जनों को खा चुका है मोहल्ले के अंदर। और बेड़िया था बीच रोड में, ना कि इधर से किसी को आने देता है ना जाने देता है। निगम में हमने शिकायत करी, निगम वाले सुन नहीं रहे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी नहीं सुन रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर डालन टोली कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। इसलिए फिर हमने एंड में मीडिया को बुलाया, अच्छा मीडिया के माध्यम से शायद वो लोग सुन ले और पकड़ के ले जाए। बंदर कितने दिन तक आतंक मचा हुआ? बंदर ये 7-8 दिन हो गए, 7-8 दिन से ही इसने मोहल्ले में सबका जीना आराम कर रहा है। एक बंदर कितने लोगों को खा चुका? कम से कम 10-12 लोगों को हमारे सामने खा चुका, और कितने लोगों को खा चुका होगा पहले भी तो पता ही नहीं। आज केसरगंज चटाई मोहल्ले के अंदर सुबह से कल शाम से बंदर का बहुत आतंक हो गया है। बंदरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई भी बंदर से हमने बहुत बार कंप्लेन करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आज हमारे ऑफिस के अंदर बंशीराम करतारचंद एंड मोबाइल एंड कंपनी पे सुबह सुबह बंदर हमारे ऑफिस में आ गया। हमारा जो कलीग थे मिस्टर विजय जी, उनके कंधे पे चढ़कर उनको काट भी पहनाया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। कृपया करके इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अजमेर प्रशासन को देखना चाहिए। जो भी तकलीफें हैं और रहा चलते लोगों के ऊपर वो हाथ मार रहा और बटका। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।